तो सीन कुछ ऐसा हुआ था, फोर व्हीलर के बगल में हम लोग थे। ये लोग अगर ये वीडियो कोई छपरी तक जा रही है तो समझ जाओ, अगर हमारी जगह कोई और होता ना वही बिछड़ जाता वो। तो जैसा हमने आपको बोला ना उसको जाके चटकाओ। पर तुम्हें तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ इसमें डालने के लिए। आप से थोड़ा चेंजेस अपने चैनल पे तुम्हारा वही करने वाले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज वाली राइड अपनी वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से कल वाला ब्लॉग जो है एंड हुआ था। लास्ट क्लिप शूट नहीं कर पाए थे बिकॉज क्या है कि GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी। तू क्यों डाउन हो रहा भाई, बैठना, गजब बेइज्जती है। तो भाई सीन को जैसा है, बागेश्वर धाम में दर्शन कर लिए, ब्लॉग मैंने नहीं बनाया बिकॉज आपसे थोड़ा चेंजेस अपने चैनल पे तुम्हारा वही करने वाला है। वो चेंजेस ये है कि आपसे अपन जो है ब्लॉग सिर्फ बाइकिंग से रिलेटेड ही डालेंगे। मंदिर में गए थे, दर्शन करे थे, काफ़ी प्यारी प्यारी स्टोरी, काफ़ी प्यारी प्यारी फोटो तुम्हारे भाई के चैनल पर है। चैनल नहीं, सॉरी, आई मीन टू से अपने इंस्टाग्राम पर है। तो वहाँ पर जाके भाई आप फॉलो कर सकते हो, राइड से पहले राइड के अपडेट ले सकते हो एंड मेरी रिसेंटली वाली स्टोरी पोस्ट जो भी भाई चीज़ें हैं वो सब चेक कर सकते हो। बाकी सीन कुछ ऐसा है, आज वाली वीडियो का, अभी तुम्हारा भाई निकला है बागेश्वर धाम से और अपन को चलना है आज वाली वीडियो में अपने घर। और अपना घर है यहाँ से 380 किलोमीटर। देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। दिन के 2 बज रहे हैं, कितने देर में आज का रास्ता अपन कवर करेंगे। तो जितने भी इंसिडेंट्स रहने वाले हैं, जितने भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हाईवे के नज़ारे रहने वाले हैं, वो सारे नज़ारे आज वाली वीडियो में मैं कैप्चर करूँगा आप सबके लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सो गाइस, यहाँ से अपना लग चुका है काफ़ी प्यारा सा हाईवे, सामने आप चेक कर सकते हो ट्रेवल रोड, अपनी बाइक, अपना जो म्यूजिक रहता है ना वो मज़ा दुगना कर देता है भाई। कानों में म्यूजिक, सामने क्लीन सा हाईवे, काफ़ी सेक्सी सा हाईवे और अपनी बाइक, सामने तुम्हारा भाई बाइक ड्राइव कर रहा है, सामने हाईवे। और एक और चीज़ जैसा कि मैं अपनी ऑलमोस्ट वीडियो में बोलता हूँ, स्टार्टिंग का टाइम है, मोटो ब्लॉग शूट करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है। समझ में नहीं आता काफ़ी सारे लोगों के अंदर से बोलना क्या भाई, पूरा खाली खाली वीडियो रहती है। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, जो आप अंदर से रियल हो ना, अपने थिंकिंग लोगों के सामने रखो, जो आपको अंदर से लग रहा है सिर्फ वो बोलो वीडियो में। तो मेरा ऐसा है, कभी कभी राइमिंग नहीं जम पाती है बट जिस टाइम पर जो मुँह से निकलता है तो मैं बोल देता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से सब अच्छा ही मिले, इंसान कहीं से उठ के कहीं तक पहुँचता है तो उसका जो सफ़र रहता है ना वो पब्लिक को दिखना चाहिए, जो कि रियल दिखना चाहिए। जितना आपका नॉलेज हो, जितना आपका ज्ञान हो, थोड़ा थोड़ा करके अपने ब्लॉग्स में देते रहिए। बट पब्लिक को जो है ना भाई स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे पब्लिक समझने लगेगी और जब आपके वीडियोस चलने लगेगी ना फिर तो प्यारे नारे मेरी जा। प्यारी समझ गई। पहले मैं ऐसा बोलने वाला था, अगर घर से निकले और ऐसा हाईवे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितने सारे लोग जो है बाइक भगाएंगे, कितना सही मज़ा आएगा गाड़ी भगाने में। बट भाई एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी कोई काम करो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। अगर आप इस साइड देख रहे हो तो आप उस साइड भी सोचो। तो जैसे कि मैं आप सबको बोल रहा था, अगर ऐसे ही रोड मिल जाए, गाड़ी अपन भगाएं, कितना सही मज़ा आएगा, कितनी गाड़ी भगेगी, ऐसा वैसा। पर वहीं इनकेस देखी जाए दूसरी चीज़, तो एक्सीडेंट कितने होंगे बिकॉज सब भगाएंगे तो फैमिली है, फीमेल है और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। उम्मीद करता हूँ हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। बट भाई जैसे कि मैंने बोला था, एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। अगर आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उसका अपोजिट भी देखो कि उसका रिजल्ट तो ठीक है, अच्छा निकल रहा है, बट उसके एक और साइड में कैसी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें। तो लाइफ में कोई भी काम करो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो तो दोनों तरफा सोचो, समझ रहा। बस ये छोटी सी चीज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलते जाते, वीडियो अच्छी बनाते जाते, वो जो भी अंदर से निकलता जाता है वो निकालते जाते, मज़ा आया। सो गाइस, हाईवे पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करके जस्ट अभी तुम्हारा भाई आ चुका है महोबा में, जो कि मार्केट वाले एरिया, सामने आप चेक कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं अपनी ऑलमोस्ट वीडियो में बोलता हूँ, ब्रेकिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाईवे पे आप कितनी भी भगाओ बट ट्रैफिक जहाँ पर आ जाए, मार्केट जहाँ पर आ जाए या पब्लिक वाले एरिया जहाँ पर भी आ जाए, गाड़ी अपनी थोड़ी स्लो कर लो, जस्ट लाइक मैंने करी, काफ़ी स्लो चला रहा हूँ। बट वहीं देखा जाए तो सिटी के कुछ लड़के अभी निकले थे जो कि स्प्लेंडर से थे भाई, इतनी बेकार चला रहे थे ना। तो आपकी राइड आपके हाथ में, जितना केयरफुली चलाओगे आपके लिए अच्छा होगा। बाकी भाई ज़्यादा ज्ञान ना पेलते हुए ये वाला ट्रैफिक वाला एरिया थोड़ा क्रॉस करते हैं, क्लीन सा रोड, क्लीन सा हाईवे, इसके आगे जो भी मिलता है वो ढूंढते और उस पर मिलते हैं आप सब बस 2 मिनट में। तो चलिए रुक जाए, एक सेकंड। हम ये बोल रहे हैं वहाँ पे आ गया था जो भी आ गया था, फिर आपने क्या बोला, उसको उड़ाने के चक्कर में आपको बचाया, जो भी आप वो बोल रहे थे। तो हम ये बोल रहे हैं, हमने आपको बोला, हमने वो वाली गाड़ी तो देखी नहीं, तो जैसा हमने आपको बोला ना उसको जाके चटकाओ। ये कहना आप भी गलत नहीं है, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप भी अपनी जगह सही हो, कहीं किसी को उड़ाएंगे नहीं, मगर हम लोग बच गए। हमारी जगह कोई सादा सिंपल होता ना, दूसरी गाड़ी लिए होते तो उसको जरूर, और हमारी जगह कोई और होता ना वहीं फिरा जाता वो। हम तो कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपना बता रहे हैं, हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोनट वाली गाड़ी होती तो उसकी गाड़ी को मैं जरूर, अगर हमारी जगह कोई और होता ना वहीं बिछड़ जाता वो। ठीक है भैया, जयराम जी की, जयराम जी।
जय राम जी की। परसों में तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ इसमें डालने के लिए। अब वो तो भैया देखो हमारा काम है यार, अरे पकड़ लिया भैया ने, पकड़ लिया। जय राम जी की कुछ नहीं होगा, राम हमारे साथ है, उनके साथ साथ हनुमान जी हमारे साथ है। जय श्री राम। ये छोटा सा कंटेंट था, कंटेंट बोले कुछ भी बोल लो भाई, ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमको मिलते ना तो लाइक हमारे लिए वो कंटेंट ही है। कहाँ चलना भाई पहले ये बता, सीधे ही ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट ऐसा था जैसे कि ये वो बाइक चला रहा है, वो निब्बा कहीं का जो भी है, छपरी वपरी बोल लो कुछ भी बोल लो, बाइक क्या करते हैं एकदम से यहाँ पे काट देता है। अब यहाँ पे फोर व्हीलर चल रही है मान के चलो, अब वो ऐसा घुमाएगा गाड़ी, उसको कट मारेगा तो उसको बचाने के चक्कर में फोर व्हीलर वाला जो है थोड़ी सी तो दबाएगा ना गाड़ी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था, फोर व्हीलर के बगल में हम लोग थे, तो हम लोग की जगह कोई और होता ना चटाई बन जाता उस साइड भाई, कसम से बोल रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, अपनी कंट्रोलिंग अच्छी है, सिचुएशन कैसी भी रहती है तो अपन जो है हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। बट ये भाई छपरियों का क्या करें, एक मन तो ऐसा होता है ना पीछे तो जाते दो मिला के एक चेटी में, आई मीन टू से चेती में, वो सर के पीछे जो भी होते हैं ना उसको चेती बोलते हैं, तो दो मिला के एक साले वो कुत्तरों में। गाली इतनी मन में आ रही है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग अगर ये वीडियो कोई छपरी तक जा रही है तो समझ जाओ अच्छे से रहो, फालतू चेती मेती में पड़ेगा या कहीं पिटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत तो जाएगी जाएगी। और वीडियो बनाऊँगा मैं या मेरा जैसा कोई तो बदनाम तुम अलग हो गए। एक सेकंड हो गया, एकदम से नहीं मोड़ना चाहिए भाई, पीछे भी देख लो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तू ना मैप देखना सीख जा भाई पहले। अंकल भोपाल का रास्ता कहाँ से? अबे कंफ्यूज करता है तू। आई एम सॉरी बाबू। भाई यही सीन था, जो भी सीन था आपको बता दिया, कंटेंट मिल गया आज वाली वीडियो में। बाकी राइट सेफ, बी सेफ एंड भाई घर पहुँच जाओ अच्छे से, बस और कुछ नहीं चाहता मैं किसी से। बाकी लेट थी और अच्छी राइड बनाएंगे, एक कंटेंट मिला है भोपाल पहुँचते पहुँचते, और कुछ भी मिलेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और आज वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, बने रहो मेरे साथ साथ मेरे जर्नी में, आने वाले टाइम में बहुत कुछ है आप सबके लिए। तो चलते हैं और बहुत प्यारी सी आज की राइड के ऊपर वीडियो बना के आप सबको दिखाते हैं, लेट्स गो। दिल उड़ा 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 है। सो गाइस कभी भी मैं हाइपर होता हूँ ना तो कुछ नहीं करता, म्यूजिक लगा लेता हूँ, थोड़ी सी देर में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। सामने आप वेदर चेक करोगे, रेड कलर के बादल है भाई, सामने आप चेक कर लो भाई, काफी प्यारा सा नजारा देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा कुछ बोलते ना। गाइस यहाँ से अपना हाईवे लगने वाला है, सामने आप बोर्ड चेक कर सकते हो, राहतगढ़ 32 बेगमगंज 59 रायसेन 140 विदिशा भोपाल 168 168 यहाँ से बता रहा है, बल्कि और कम है। मैं एक मिनट नीले से चेक करवाता हूँ, बोर्ड पे लिखा था 168, मैं पे आ रहा 165। ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट नगर निगम वालों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, प्रॉपर मैप पे आप सर्च करो, एकदम प्रॉपर जो है सही चीज़ डालो। भाई क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, कर देना प्लीज़। तो गाइस सिटी क्रॉस करने के बाद अपन को पेट्रोल थोड़ा एंडिंग पे लगा, तो अपन को एक पेट्रोल पंप मिला जो कि आप सामने चेक कर सकते हो, सामने बाइक उसके सामने पेट्रोल पंप। तो यहाँ से पेट्रोल जस्ट अभी फ्री कराया है। क्या बोला तूने? और ठंड हो गई थी तो आपके भाई ने थोड़ी सी देर पहले आप सबसे बोला था कि कहीं गाड़ी रोक के वहाँ पे जो है अपर वगैरह अपन पहन लेंगे, बिकॉज ठंड महसूस हो रही थी शरीर में, तो इनर वगैरह पहन के तुम्हारा भाई का भाई नीलेश भाई सामने ये चेक करो भाई वो आ रहा है। तो निकलते हैं फुल पावर, यहाँ से सब कुछ हो गया, गैरअप वगैरह भी हो गया अंदर, अपर वगैरह सब पहन लिया, तो चलते हैं फुल पावर। आज की वीडियो बहुत प्यारी सी इसी राइड के ऊपर आप सबको बना के दिखाते, तो लेट्स गो। सो गाइस रात की राइड ही राइड ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंटिन्यू ब्लॉगिंग तो कर सकता हूँ बट सीन कुछ ऐसा है, कहीं पे उजाला आ रहा है तो कहीं पे अंधेरा आ रहा है। अब ये कार चल रही है, एक सेकंड इसके आगे ले जाके फिर अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये चेक करें, वीडियो में पूरा अंधेरा अंधेरा आएगा, वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आ रहा मेरे को ऐसे में, तो कहीं कोई मूवमेंट लगता है, कहीं कोई सीन ऐसा दिखता है तो अपन कंटिन्यू करेंगे ये वाली वीडियो। बाकी लेट सी क्या सीन रहने वाला है भाई, 150 किलोमीटर समथिंग कुछ बचा है अपना भोपाल यहाँ से, कहाँ चाय पीने के लिए रुकेंगे वहीं पर ये वीडियो को तुम्हारा भाई थोड़ी सी देर में करेगा कंटिन्यू। सो गाइस आ चुका है आपका भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, लेफ्ट हैंड में आप चेक कर सकते रहे अपने सरकार, जहाँ से ब्लॉग अपने स्टार्ट हुआ था यहीं पर जो है अपना ब्लॉग एंड होगा, सामने ही चेक करें हनुमान जी का मंदिर। तो जय श्री राम जय हनुमान, काफी अच्छी सीरीज तुम्हारे भाई ने अपने चैनल पे बनाई है, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सबके जो है प्ले लिस्ट पे एड कर दूंगा, तो अपनी अयोध्या सीरीज के ऊपर में भी शायद जो है भाई 7-8-9 एपिसोड जो है हो चुके, काफी प्यारे प्यारे, तो सपोर्ट करना, प्यार दिखाना, प्लेलिस्ट चेक करना, कौन सी वीडियो कैसी लगी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कमेंट करो नहीं करो, वीडियो देखो नहीं देखो, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो अयोध्या सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली रामलला के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन एंड भाई काफी क्रेजी वाले एपिसोड चैनल पे हुए हैं, एक्साइटमेंट लेवल ना भाई अंदर से बहुत ज्यादा हाई है, तो फुल पावर, और ज्यादा लेट ना कर दूं और इस वीडियो को और ज्यादा
ज्यादा बड़ा ना करते हुए ये वाले ब्लॉग तुम्हारा भाई यहीं पे एंड करेगा। ये वाली वीडियो जितनी ज्यादा अच्छी बना के दिखा सकता था मैंने आपको बना के दिखाई, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो में मेहनत तुम्हारे भाई की दिखी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी फुल पावर चलते हैं घर, मम्मी पापा से मिलते हैं, उनको प्रसाद दिखाते हैं, जो भी चीजें अपन उनके लिए लेकर आए वो सारी चीज दिखाते हैं। और आज वाली वीडियो को और ज्यादा बड़ा ना करते हुए तुम्हारे भाई यहीं पे एंड करेगा। मिलेगा आज सबसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपने और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर टाटा एंड बाय बाय।